एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं पटना सिटी गुरुद्वारा। देख सकते हैं पूरा पटना सिटी गुरुद्वारा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं पटना सिटी गुरुद्वारा। देख सकते हैं पूरा पटना सिटी गुरुद्वारा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। क्यों सजा हुआ है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक। देखिए अभी भजन कीर्तन उधर चल रहा है मेरे पीछे। देख सकते हैं पूरा गुरुद्वारा सजा हुआ है। अभी भी काफ़ी लोग हैं, पूरी भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। हर साल यहाँ प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा गुरुद्वारा दिखाने वाला हूँ। साथ में जो यहाँ दरबार साहिब लगा हुआ है वहाँ भी जाएंगे, उसके बाद लंगर हॉल जाएंगे। तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। तो अभी बहुत इसमें शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए अभी कितना भीड़ है। अभी धीरे धीरे गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं। ये है गुरुद्वारे का दृश्य। चलते हैं। यहाँ का एक चीज़ सबसे बड़ा है ना कि आपको सर ढकना है। मैं चलिए रुमाल ले लेता हूँ। देखते हैं पहले हम रुमाल एक ले लेते हैं। रुमाल कितने का? एक रुमाल दे दीजिए। कितना? फ्रेंड्स, अभी हम जूता जमा करने चलते हैं। देखिए जूता जमा करना है। इधर रुमाल खरीद चुके हैं। यहाँ मुझे 30 रुपये का पड़ा है। ठीक है, इधर भी जमा हो रहा है। मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। इधर भी जमा कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं जमा, दोनों तरफ। चलिए पहले हम जमा कर देते हैं। करना है मुझे टोकन मिला है। देखिए 272A ये रहा टोकन। चलिए अब हम जा सकते हैं क्योंकि अब मेरा जूता जमा हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं। पिछली बार हम जब हम आए थे तो मेरा जूता ऊपर ही जमा हुआ था, लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण
तो मुझे नीचे जमा करना पड़ रहा है। इसका सुरक्षा भी भाड़ा दी गई बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स अब हम गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं, देखिए अंदर आ चुके हैं, अपना चप्पल भी जमा कर चुके हैं, सर भी रख चुके हैं, यहाँ पे पैर धो लेना है हमें, पानी रहता है। गुरुद्वारा में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा जो ये दिन आते हैं तो मैं अपने बुजुर्गों की एक धारणा याद करता हूँ कि जन्म गुरा का पटना साहिब का आनंदपुर डेरे लाए ने, चलो सिखो चल दर्शन करिए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के सतगुरु तह प्रकाश हमारा पै पटना शहर विखे पव लगे।
दोस्तों यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कहीं भी मंदिर या मस्जिद के बाहर हम देखते हैं तो वहाँ भिखारी रहता है, लेकिन यहाँ मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। ऐसा क्यों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम गुरुद्वारे से बाहर चलते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।